रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए वोडाफोन आइडिया और एयरटेल मिलकर फाइबर ऑप्टिक्स के व्यापार में आने की तैयारी में हैं। इससे पहले वोडाफोन और एयरटेल टावर के बिजनेस में एक साथ थे। देश की टेलीकॉम कंपनियां अब रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स के व्यापार में मिलकर उतरने की तैयारी में हैं। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया अपने फाइबर ऑप्टिक्स के बिजनेस को लेकर ज्वाइंट वेंचर बनाने की बातचीत कर रही हैं। एयरटेल कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने इस प्रस्ताव को लेकर अच्छा रिस्पांस दिखाया है और ऐसा करने से ऑपरेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। एनालिस्ट के मुताबिक यह उन कंपनियों के लिए एक बैलेंस शीट लाइट अप्रोच है जो इस समय वित्तीय संकट में है। मित्तल के अनुसार अगर ये जॉइंट वेंचर होता है तो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को इसमें अपने फाइबर एसेट्स मिलाने होंगे और फाइबर कंपनी टेलीसोनिक के साथ पार्टनर करेगी। इस जॉइंट वेंचर से दोनों की कैपेसिटी 25% बढ़ जाएगी और नए रूट्स हासिल होंगे जो अभी कंपनियों के पास नहीं है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने इससे पहले भी साल 2008 में टावर्स के व्यापार में जॉइंट वेंचर इंडस टावर के नाम से किया था ताकि टेलीकॉम कंपनियों को सर्विसेज दी जा सके और अब फिर से ये कंपनियां एक साथ मिलकर जियो को टक्कर देने की तैयारी में हैं। उज़ैर अली जाफरी, गो न्यूज़।